तीसरा दिन भावबोधक एक्सक्लामेशन। अंग्रेजी में मन के अलग अलग भावों को प्रकट करने का अपना ही तरीका है। यह सरल भी है और सुंदर भी। हैरानी, खुशी, दुख, नाराजगी और भी दूसरे कई भावों को छोटे छोटे वाक्यों व दो तीन शब्दों में बहुत अच्छे ढंग से कहा जा सकता है। इन शब्दों और वाक्यों का हम आम बोल चाल में बार बार प्रयोग कर सकते हैं, जैसे वाह वाह, मार्वेलस, शाबाश, वेल डन, अति सुंदर, ब्यूटीफुल, अरे, हे, वाह, वाव, हे राम, ओह गॉड या माय गॉड या ओह माय गॉड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ सिर्फ दो दिया है, माय गॉड या ओह गॉड। आपने तो कमाल कर दिया, वंडरफुल, बेशक, ऑफ कोर्स, ईश्वर का धन्यवाद, थैंक गॉड, ईश्वर की कृपा से, बाय गॉड्स ग्रेस, खुदा आपको बरकत दे, मे गॉड ब्लेस यू, आपको भी, सेम टू यू, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बड़े दुख का समाचार है, हाउ सैड, बड़ी खुशी का समाचार, दैट्स अ गुड न्यूज़, कितनी बड़ी विजय, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, प्रभु मेरे, आश्चर्यचकित होकर जब बोलते ना, प्रभु मेरे, गुड हेवेंस, सुनिए, हेलो, लिसन, फटाफट करिए, हरी अप प्लीज, कितनी बुरी बात, हाउ टेरिबल, कितने अपमान की बात है, हाउ डिसग्रेसफुल, बड़ी फिजूल बात है, हाउ एब्जर्ड, उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही, क्या खूब, हाउ स्वीट, कितना सुंदर, हाउ लवली, ऐसा कहने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू से दैट, प्यारे, ओ डियर, जल्दी चलो, हरी अप, या वॉक फास्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जल्दी चलने के लिए। चुप रहिए, क्वाइट प्लीज, प्लीज कीप क्वाइट, हाँ ऐसा ही, यस इट इज, सचमुच, रियली, सच, इज इट, धन्यवाद, थैंक्स, आपका धन्यवाद, थैंक यू, भगवान का लाख शुक्र है, थैंक गॉड, यह दिन बार बार आए, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, आह, मैंने मैच जीत लिया, हुर्रा, आई हैव वॉन, आपके स्वास्थ्य के लिए, फॉर योर गुड हेल्थ, बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कितनी बेहूदगी है, व्हाट नॉनसेंस, कितने शर्म की बात है, व्हाट अ शेम, कितनी दुखद बात है, हाउ ट्रेजिक, कितना सुखद सा आश्चर्य, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, आश्चर्यजनक, वंडरफुल, छी छी, हाउ डिस्कस्टिंग, खबरदार, बी वेयर, कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है, व्हाट अ पीटी, कितनी बढ़िया सूझ है, व्हाट एन आइडिया, आपका स्वागत है, वेलकम सर, आपके स्वागत के लिए, चीयर्स, क्या मुसीबत है, व्हाट अ बॉदर, सावधानी से या संभल कर, वॉच आउट, कहीं नज़र न लगे, टच वुड, अब चाहे जो हो, कम व्हाट मे। याद रखें, सामान्य वाक्य में जहाँ अल्प विराम पूर्ण विराम लगता है, वहाँ भावबोधक वाक्य में विस्मय बोधक चिन्ह एक्सक्लामेटरी साइन लगता है, जैसे रियली, वंडरफुल इत्यादि। लज्जा, दुख, आश्चर्य, हर्ष, क्रोध आदि अनेकों अनेक भावों को प्रकट करने के लिए व्हाट, हाउ आदि शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात है, व्हाट अ, हाउ वंडरफुल, कितना आश्चर्यजनक है इत्यादि। विस्मय बोधक शब्द जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं, उनको बोलते समय ध्वनि में आश्चर्य आदि भावों का स्वर देना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, कितने शर्म की बात है, व्हाट अ शेम।